हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन एक नए आयाम पर ले जा रहे होंगे। आइए हम लोग उसी क्रम में सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के रूप में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूची एक में दिए गए वर्षों का मिलान सूची दो में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये सारी घटनाएं जो हैं अकबर के शासनकाल में हुई थी और ये इन वर्षों को मिलाना है कि कौन से वर्ष में कौन सी घटना हुई थी। आइए हम लोग देखते हैं। जो जजिया कर है, जजिया कर की शुरुआत दिल्ली में जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है, फिरोज शाह ने की थी, और इसका जो उन्मूलन किया था वो अकबर ने किया था। तो जो उन्मूलन हुआ वो 1564 में जजिया कर, मतलब गैर मुसलमानों पे ये जजिया कर लगाया गया था। तो 1564 एक का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। फिर आगे दो, 1575 में कौन सी घटना हुई? तो इबादत खाने की स्थापना अकबर ने करवाई थी, ठीक है। दूसरे में हो जाएगा डी। आगे हो गया तीसरा नंबर, 1579 में कौन सी घटना हुई थी? 1579 में जो हुई थी मजहर की उद्घोषणा हुई थी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका ए में, दहसाल प्रथा, जो कि उनके मंत्री टोडरमल द्वारा लगान वसूलने के लिए लगाया गया था। तो हम चलते हैं, मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। एक का सी, दो का डी, तीन का वी और चार का ए। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से आगे चलते हैं। दिया गया है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो किसने किए थे? मोहम्मद गजरमी ने अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत में अनुवाद अव्यक्त मेकम अवतार, ठीक है, इस नाम से इन्होंने कलमा का संस्कृत में अनुवाद करवा के सिक्कों के दूसरी तरफ लिखवाया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनबी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध आपका कृष्ण तृतीय के शासनकाल में हुआ था, जो कि राष्ट्रकूट नरेश था, राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय, ठीक है। कौन? कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच में हुआ था, परांतक प्रथम, ठीक है। अब जब एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे 1949 ईस्वी की घटना है, ठीक है, ये 1949 ईस्वी की घटना है। इन दोनों के बीच में हुआ था, काफ़ी अच्छा युद्ध हुआ था जिसमें कृष्ण तृतीय विजयी हुआ था, ठीक है, परांतक प्रथम को बुरी तरह से पराजित किया था। तो क्या हुआ, किसके किसके बीच में हुआ था? कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच। परांतक एक चोल शासक था, ठीक है, इसमें सभी में चोल दिया गया राष्ट्र, और कृष्ण तृतीय जो है राष्ट्रकूट शासक था, तो दोनों में कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच में 949 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें चोल शासक परांतक प्रथम बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? प्रारंभिक जैन साहित्य जो था
ओ किस भाषा में लिखा गया? तो हम लोग जानते हैं जैन साहित्य जो है वो किस में लिखे गए? प्राकृत भाषा में, ठीक है। और जो बौद्ध साहित्य है वो किस में लिखे गए? पाली भाषा में। लेकिन जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वो इसी की एक शाखा है, प्राकृत भाषा की एक शाखा है, अर्धमागधी, ठीक है। तो ये इसमें लिखे गए, ठीक है। जो जैन साहित्य, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। दिए गए हैं मानव समाधान 9 में कुत्ते दफनाए गए किस मानव समाधान, मतलब मानव के साथ कुत्तों को कहाँ पे दफनाया गया था, कहाँ पे इसके सच मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो जो है बुर्ज होम, आपका बुर्ज होम जो है जो कि कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। कश्मीर का पूरा स्थल है बुर्ज होम, इसकी खोज कहाँ पे हुई? तो यहाँ पे मानव और कुत्तों को एक साथ सौदाह में दफनाने का सच मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम के द्वारा की गई, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए हैं आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं आचार्य विनोबा भावे का मुख्य जो आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। तो पहली बार जब गिरफ्तार हुए तो इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी। और ये आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था जिसके कारण प्रथम बार इन्हें जेल भेजा गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? एक मानव जीवन में एक मतलब उस समय की सबसे दर्दनाक घटना में से एक थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, जो कि आप जाके अमृतसर में इसका एक जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे इसके साक्ष्य आप देख सकते हैं। हमने एक वीडियो भी डाला शॉर्ट्स में, उसको आप जाके देखिएगा। वहाँ पे आपको बुलेट्स के निशान मिलते हैं और वहाँ पे एक कुआं भी है जिसमें बताया जाता है कि इसी में जान बचाने के लिए कूद गए थे लोग, लेकिन उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया था अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा, ठीक है, जो कि किसी भी प्रकार से दोषी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को जब लॉर्ड कर्जन वायसराय था तब तो बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जब काफ़ी विद्रोह हुआ, विरोध हुआ इसका, तो और जब जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट थे जो 6 मई 1910 को जब उन्होंने वो सम्राट बने, जब 1911 में वो भारत आए उसी समय इसको क्या हुआ, उन्होंने इसको देखा और इसको फिर से जो था वो विभाजन को, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बंगाल का जब विभाजन था वो 1911 में
रद्द कर दिया गया, ठीक, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, ठीक है, कौन मतलब कौन कौन से लोग थे जिनके साथ ये व्यवस्था की गई, ठीक है, कृषकों के साथ या जमींदारों के साथ, या जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, या फिर ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी ये पूरी तरह से जो है ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो किसान कृषकों से संबंधित थी, ठीक है, और ये व्यवस्था जो थी ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, अफवाह मतलब कहा जाता है जो जिसका जो जिसे चौड़ाई की दृष्टि से मतलब जो क्षेत्र ज़्यादा अपने अंदर समाहित कर लेती है, जैसे ऐसे बह रही है, ठीक है, तो जाके ऐसे हो जाए या फिर ऐसे बहने लगे, ठीक है। तो जो अफवाह के क्षेत्र से सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, वो है अमेजन, ठीक है, इसका अफवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, जबकि नील नदी सबसे लंबी नदी है, लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, लेकिन जो अमेजन है अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। तो अब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 11वें में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है प्रधान या उत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत वृत्तीय भूमध्य रेखा का प्रक्षेत्रण बिंदु अवस्थित है। तो या प्रधान या उत्तर का मतलब है जो देशांतर रेखा है जो कि जीरो अंश से गुजरती है, जो कहाँ से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से, समय का निर्धारण जहाँ से होता है, ठीक है, जहाँ से लंदन से ग्रीनविच से जो गुजरती है ये प्रधान या उत्तर कही जाती है, ठीक है। और जीरो अंश विषुवत रेखा, ठीक है, जो ये ऐसे गुजरती है, ठीक है, तो दोनों जहाँ पे मिलती हैं उसी को प्रच्छेदन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में मिलती हैं, ठीक है, आप जब मैप में देखेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा। तो इसमें हो जाएगा अंध महासागर, ऑप्शन नंबर ए लिखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, ठीक है। तो जब तमिलनाडु में जो है मानसून जब वापस आता है तब वहाँ पे बरसात होती है, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जब वापस मानसून वापस होता है, जब एक बार मानसून आता है जून में, जून जुलाई में, और जब वापसी जाता है तो वहाँ पे तब बारिश होती है, ठीक है। तो वहाँ पे कब से बारिश होती है, वहाँ पे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर इन महीनों में बारिश होती है, ठीक है, मेनता है नवंबर दिसंबर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है, कौन से राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। तो हमें पता है कि क्या है, उत्तर में मतलब जो कश्मीर की साइड है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पंजाब इधर हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाता है आपका राजस्थान। तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पश्चिम में हरियाणा, ठीक, यहीं पे हरियाणा हो जाता है, मतलब इसके बगल ही, ठीक है। तो एक तरह से आपका हो गया कौन सा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान,
सटे राज्यों का राज्य है ये, और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी सटा हुआ है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हो जाएगा झारखंड भी थोड़ा सा लगा हुआ है, और फिर बिहार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्य हो। एक मध्य प्रदेश, मेन राज्य तो छूट ही रहा है मध्य प्रदेश, जो कि 8 राज्य इससे सीमा बनाते हैं, ठीक है। और दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, वो भी उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पंजाब नहीं है, ठीक है, इसमें पंजाब को छोड़ के बाकी सभी 2 3 4, 2 3 4 कौन से ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन, 14 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर हमें पता है, उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है के परसेंट रही है, 20.09% 10 वर्षों में ये जनसंख्या वृद्धि दर रही है, ठीक है, जो कि ये परसेंटेज है उसका, जबकि पूरे देश में कितना रही है? 17.05 यस ऐसे समथिंग रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये भारत की है और ये उत्तर प्रदेश की है। आगे चलते हैं, तो इस तरह से इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई, सेज जो है नीति कब घोषित की गई? विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी, तो ये घोषित की गई अटल बिहारी जी के शासनकाल में, ठीक है, अप्रैल 2000 में घोषित की गई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, ठीक है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं, मतलब जो आपको सेवाएं मिलती हैं सरकार द्वारा, उसी को अदृश्य निर्यात कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो जो खादी ग्राम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमारा जो है उद्योग को बढ़ावा दिया गया। पहली पंचवर्षीय में हमें हमने उसको बढ़ावा दिया, क्या बोलते हैं, कृषि को, ठीक है, जिसमें गेहूं का जो वो उत्पादन काफ़ी बढ़ा था, ठीक। और उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, तो जिसमें इसको भी शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? जो गिल्ड एज बाजार है किससे संबंधित है? तो इसमें होता है अर्ध सरकारी और सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। जो अर्ध सरकारी और सरकारी दोनों, केवल सरकारी नहीं, अर्ध सरकारी और सरकारी, ठीक है, प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो आप लोग बहुत बार देख चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है, ये जो है आपका नीति का फुल फॉर्म है, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लाया गया है, कब से? जनवरी 2015 से, ठीक है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, कब से लाया गया? जनवरी 2015 से ये लागू हुआ है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। दिए गए सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। सभी व्यक्ति कैसे बन सकते हैं भाई? सभी व्यक्ति नहीं बन सकते। वह व्यक्ति जो राज्य राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो, पंचायती राज का सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज के, ये तो गलत है, 21 वर्ष से होता है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। यही सही है, ठीक है। 21 वर्ष सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष। और योग्यता जो है वही विधायक बनने की योग्यता हो तब आप प्रधान भी बन सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिवालिया ना हो, यही सब है, पागल ना हो भाई, यहाँ का नागरिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो है आपका जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसका विशेषाधिकार होता ही है कि वो बताए कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ठीक है। अनुच्छेद आपके 110 में ये साफ साफ कहा गया है, ठीक है, ये कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करेगा, जो कि उसका विशेषाधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन, ठीक है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर, ठीक, उपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित हो जाएगा? अयोग्य घोषित मतलब बिना, मतलब बताए हुए आप अनुमति लिए हुए आप अगर गायब हैं 60 दिनों तक, तो आपको वहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। संसद अयोग्य मतलब आपकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो ठीक है, विधि के शासन के रूप में, शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में कौन कौन सा माना जाता है? तो आप देखेंगे, ऑप्शन मतलब दिया गया है, एक में शक्ति का परिसीमन, तो हम जानते हैं शक्तियों का परिसीमन होता है, ठीक है, सही है। विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, और ठीक है। फिर सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो सरकार के प्रति जनता का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता, ठीक है, आपका स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता और नागरिक
अधिकार, ठीक है। ठीक, स्वतंत्रता और नागरिकों का अधिकार, ये आपका विधि के शासन का प्रमुख लक्षण, ठीक है। जबकि सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व कोई विधि के शासन का कोई लक्षण विशेष नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन से कौन कैसे कैसे दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 तो सही है, 3 नहीं सही है। फिर केवल 2 और 4, 2 और 4 इसमें 1 भी है, ठीक है। आगे दिया गया है केवल 1, 2 और 4, 1, 2, 4 सही है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान इनमें से किस का सर्वाधिक ऋणी है? तो हम जानते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसमें से 200 अनुच्छेद ज्यों के त्यों ही उतार लिए गए, ठीक है। थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जैसे आए थे, भारत शासन अधिनियम आया था वैसे को वैसे भारतीय संविधान में उतार लिया गया। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? भारत शासन अधिनियम का है, क्योंकि 1935 में इंग्लैंड ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त होता है, रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है, और ऊतक में कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 चैम्बर, ठीक है। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है, 2 नील और 2 नीले, ठीक है। जबकि जो मेंढक होता है आपका, उसका होता है 2 अलिंद और 1 नीले वाला। ये अलिंद हो गया, ये भी अलिंद और ये नीले, ठीक। तो जो मेंढक होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी जल का काम क्या होता है? मंदक का काम करता है, ठीक है, जो कि परमाणु भारत में जो लगाए गए हैं, ठीक है, उनमें मंदक के काम के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। ये तो आपका भारी जल क्या है? एक मंदक है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं, ठीक है। तो आगे एक प्रैक्टिस में बता चुके हैं आपको कि जो घरेलू बिजली के तार हैं वो समांतर संयोजित किए जाते हैं, ठीक है। उनका संयोजन कैसे होता है? समांतर श्रेणी में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेसीबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसीबल का प्रयोग हम ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यह 30 क्वेश्चनों का जीएस का सेट था। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर लगेगा और आपके जो पढ़ाई में एक घी का काम करेगा, जिसे आग में घी जो है काम करता है, उसी तरह से ये आपको एक बेहतर भविष्य के लिए आप मेहनत करते रहिए। ज़बरदस्त तरीके से परीक्षा बहुत नज़दीक है, ठीक है, और जल्द ही हम कुछ नए नए क्वेश्चनों का सीरीज लाएंगे जो कि टॉपिक वाइज होगा, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान का लाएंगे, फिर उसके बाद इतिहास का लाएंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज लाएंगे हम, और कोशिश करेंगे आपको बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड करने का।
तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और आने वाली परीक्षा में आपका विशेष स्थान हो। ठीक, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस ध्यान रखिए, बुज़ुर्गों का सम्मान करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, माता पिता का ध्यान रखिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।